मैं हूँ आपके साथ दीक्षा भानुप्रिय। बिहार के पटना साहिब लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ने वाले भाजपा के दिग्गज नेता रविशंकर प्रसाद शत्रुघ्न सिन्हा को हराकर संसद पहुंचे। रविशंकर प्रसाद का जन्म बिहार के मध्यम वर्गीय कायस्थ परिवार में हुआ था। पटना विश्वविद्यालय से प्रारंभिक पढ़ाई करने वाले और छात्र जीवन से ही जनसंघ से जुड़े रहने वाले प्रसाद दूसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनाए गए हैं। प्रसाद अपने राजनीतिक जीवन के सबसे उच्च शिखर पर पहुंचकर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। 1970 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रविशंकर प्रसाद एक बड़े छात्र नेता बनकर उभरे थे। यहीं से प्रसाद का राजनीतिक जीवन शुरू हो गया था। आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में उन्होंने बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया तथा जेल भी गए। वे सालों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़े रहे और संगठन में विभिन्न पदों पर आसीन रहे। छात्र जीवन में वे पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के सहायक महासचिव और विश्वविद्यालय की सीनेट तथा वित्त समिति कला और विधि संकाय के सदस्य रह चुके हैं। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट में एक पेशेवर वकील भी हैं। उन्होंने 1980 में पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू की थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने उन्हें 1999 में वरिष्ठ अधिवक्ता नामित किया था। इसके बाद 2000 में वे सुप्रीम कोर्ट वकालत करने लगे थे। प्रसाद ने लालू यादव के खिलाफ केस लड़ा था। एक राजनेता के रूप में रविशंकर प्रसाद सालों तक भाजपा की युवा शाखाओं से जुड़े रहे। इसके बाद उन्होंने पार्टी संगठन में जिम्मेदारी संभाली और सन 2000 में राज्यसभा सांसद बने और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला एवं खान राज्य मंत्री भी रहे। वे भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। 2014 में बनी मोदी सरकार में सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री के रूप में काम किया। अब फिर से मोदी सरकार में रविशंकर प्रसाद को मंत्री बनाया जा रहा है। सन 2000 के बाद 2006 में भी राज्यसभा सांसद बने। 2007 में उन्हें फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया। पिछले 10 वर्षों से वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वे विभिन्न संसदीय समितियों के भी सदस्य हैं। हाल ही में वे उत्तरांचल विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी के प्रभारी थे। रविशंकर प्रसाद ने कई सारे पद संभाले हैं। 1991 से लेकर 95 तक दो कार्यकाल के लिए भाजयुमो के वे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। 1995 से सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी, 2000 राज्यसभा सदस्य बने। मई 2000 से 2001 तक पेट्रोलियम रसायन तथा वित्त मंत्रालय की सलाहकार समितियों के सदस्य थे। 1 सितंबर 2001 से 29 जनवरी 2003 तक वो कोयला और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री भी रहे। 1 जुलाई 2002 से 29 जनवरी 2003 तक विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार भी उनके पास था। 28 जनवरी 2003 से मई 2004 तक सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार भी उन्हें दिया गया। मई 2000 से अगस्त 2001 तक विधायी समिति के वे सदस्य रहे हैं। अगस्त 2004 से अगस्त 2006 तक भी वे मानव संसाधन विकास समिति के सदस्य थे। सितंबर 2004 से अप्रैल 2006 तक वे राज्यसभा के स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के सदस्य रहे हैं। वहीं अक्टूबर 2004 से 2006 तक वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति का सदस्य भी उन्हें बनाया गया। नवंबर 2004 से मानव संसाधन विकास समिति की विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा उप समिति के भी वे सदस्य रहे हैं। मार्च 2006 से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे वे और अप्रैल 2006 को उन्हें पुनः राज्यसभा के लिए निर्वाचित किया गया। 2006 से सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति के वे सदस्य रहे हैं। सितंबर 2006 से विशेषाधिकार समिति के सदस्य और 2014 की मोदी सरकार में सूचना व प्रसारण मंत्री बने। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।